हेलो प्यारे बच्चों बच्चों, आज हम ए और डी के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की थर्ड क्लास करने जा रहे हैं, और ऑलमोस्ट मान लीजिए कि आखिरी क्लास है ये। ठीक है, और इसके बाद बच्चों मैं आप लोगों को टेंजेंट नॉर्मल शुरू करवाऊंगा। ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छा चैप्टर में से टॉपिक में से एक माना जाता है, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। रीज़न क्योंकि इन सारे टॉपिक्स को क्योंकि इन सारे टॉपिक्स को हम बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इनका एक ही कंसेप्ट होता है, और उसी कंसेप्ट को बस अगर आपके यानी उसी बेसिक कंसेप्ट को अगर आपके दिमाग में बिठा दिया जाए तो आप चुटकियों में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। चलिए फिलहाल हम ए ओ डी के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की एक लास्ट क्लास और कर लेते हैं, जिसमें बच्चों मैंने आपको अभी तक एल्जेब्रिक फॉर्म वाले यानी एक्स वाले तो सिखा दिए, और अब बात करते हैं किसकी हम भाई, जो ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशंस में जो आते हैं। तो हम आज ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन में आने वाले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे प्यारे बच्चों अब देखिएगा, अगर हम जैसे एक क्वेश्चन नंबर 3 देखें 6.2 का, कि एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन एक्स, और आपसे बोला गया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फाइंड कीजिए। ठीक है जी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फाइंड हम कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? ठीक है, तो इसने कह रहा है सो दैट फंक्शन गिवन एफ ऑफ एक्स साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक तो इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एक तो ये, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, तो हमने क्या देखा बच्चों, तीन कंडीशन प्रूफ करनी है मुझे। ठीक है जी, मैं प्रूफ करूंगा। मैं अगर इसका डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा एफ डैश एक्स, और साइन एक्स बनता है बच्चों कॉस एक्स। यहां तक बच्चों बात समझना। अच्छा, अब इसने बोला है नाउ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फॉर 0 to π/2। तो मेरे प्यारे बच्चों बस एक सिंपल सी बात बता दो मुझे कि कॉस एक्स की वैल्यू क्या 0 से π/2 के बीच में 0 से बड़ी नहीं होती? जी बिल्कुल होती है बड़ी, 0 से π/2 के बीच में 100% क्या होती है? बड़ी होती ही होती है। तो इसका मतलब मैं क्या देख रहा हूं, मुझे ये पता चल गया कि अगर सॉल्व फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर 0 to π/2, अब बच्चों आप 0 से π/2 के बीच की कोई भी एंगल यहां पे रख के देख लो आप, मैं बता रहा हूं कॉस की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। जैसे 0 से π/2 के बीच में देखो, 0 से π/2 के बीच में π/6 होता है, π/4 भी होता है, π/3 भी होता है। बेसिक्स बता रहा हूं जो हमें जिनकी वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो आप पुट करके देखो, π/6 मतलब 30। हाँ जी, cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। डिवाइड करोगे 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, मतलब 0 से बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब हमने ये देखा कि जब 0 से बड़ा आ रहा है तो हम कहेंगे इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फॉर 0 to π/2, 0 to π/2। नाउ अब बच्चों सॉल्व फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, हाँ जी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर क्या भाई? π/2 to π, मतलब π/2 से π के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो। तो बहुत सारी वैल्यू आती है π/2 में, मान लो π/3 π/4 भी आता है, मतलब 135 डिग्री। आप चाहे तो करके देख लो, ये लो cos 135 डिग्री। प्यारे बच्चों आपने 11th में पढ़ा है कि 135 को 180 माइनस 45 लिखते हैं, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस की वैल्यू नेगेटिव, 180 ये चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब -1/√2, मतलब माइनस में वैल्यू आ गई। सो हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, इट मीन्स कॉस एक्स लेस देन 0। ठीक है, कब? जब इसमें हम रख दें। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि भाई ये क्या कर रहा है, इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और बच्चों ये क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जब हम इनके बीच की वैल्यू यहां पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कर रहे हैं यहां पे मैंने दिखा दिया। अच्छा, अब एक सिंपल सी बात सोचो आप,
एक सिंपल सी बात सोचो आप कि अगर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है तो थर्ड पॉइंट कह रहा है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फॉर जीरो से पाई तक। सही बात है भाई कि देखो जीरो से पाई तक में हमने क्या देखा कि जीरो से पाई तक में जीरो से पाई बाय टू तक तो इंक्रीज, लेकिन पाई बाय टू से लेके पाई तक क्या कर रहा है भाई? डिक्रीज। मतलब एक ही कंडीशन में दोनों काम कर रहा है, एक ही कंडीशन में दोनों काम कर रहा है, तो भाई दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यानी पॉसिबल नहीं लिखेंगे एक तरह से, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम बस ये लिखेंगे, हम लोग बस ये लिखेंगे कि भाई अगर मैं इस रिजल्ट से, पहले वाले रिजल्ट से और सेकंड वाले रिजल्ट से दोनों रिजल्ट्स को देखूं, ठीक है, दोनों रिजल्ट्स को देखूं तो क्या दिखेगा कि ये क्लियर हो रहा है, ये क्लियर हो रहा है। मैं अगर दोनों रिजल्ट्स को देखूं, फ्रॉम फ्रॉम रिजल्ट्स फर्स्ट एंड सेकंड, हमने क्या देखा कि ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, सो दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फॉर दिस, ये वाली लाइन यहां पे लिख देना। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने ये पता किया, फटाफट नोट कर लो। नोट करो बच्चों, नोट करो। ठीक है बच्चों, ये नोट कर लिया होगा। चलिए तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर करते हैं प्यारे बच्चों, अब करते हैं नाइन्थ। ये देखो ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, नाइन्थ करते हैं। ये बेसिक से रूल है, मतलब आपके जो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था ना, वो बेसिक से रूल याद रखने हैं कि किसकी वैल्यू किसके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव कैसी होगी। ठीक है, अब देखो इस वाले को, क्वेश्चन नंबर 9th को, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आज ये टॉपिक खत्म समझो आज आप, और टेंजेंट नॉर्मल शुरू समझो। हाँ जी, कह रहा प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 टू पाई बाय 2। ठीक है जी, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी हैव, हमारे पास है, क्या है बच्चों हमारे पास, y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। चलो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो y क्या हो जाएगा, dy वाई अपॉन में डी थीटा। इन दोनों में आप क्वेश्चन रूल लगा दोगे तो फर्स्ट का डेरिवेटिव नीचे वाला एज इट इज माइनस फर्स्ट एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 dy अपॉन d थीटा। तो ये हो जाएगा 4, तो अपनी जगह पर रहेगा, साइन थीटा बन जाएगा कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा, 2 का 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व कर दें, सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, 4 टू जा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1।
डी वाई अपॉन डी थीटा 8 कॉस थीटा थीटा, बच्चों 4 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई ये कौन है, 1, ठीक है। तो यानी कि डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर 8 कॉस थीटा प्लस 4, और ये 2 प्लस में कॉस थीटा के होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। चलो अब जब इतना कर लिया हमने, अब यहां तक हमने सॉल्व कर लिया है, तो मेरे हिसाब से इसे हमें और सॉल्व कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से इसे क्या कर लेना चाहिए, हमें और सॉल्व कर लेना चाहिए, या करके देखें, चलो छोड़ो क्या करना है, ठीक है सीधा करते हैं। नाउ अब क्या करेंगे, एक काम करो, dy अपॉन में d थीटा को ना 0 के बराबर लेके देखो, किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक है जी। तो 8 cos थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। प्यारे बच्चों माइनस 1 वहां पे जाएगा तो बनेगा 8 cos थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, इधर आके प्लस, कुछ नहीं है 1, क्रॉस मल्टीपल कर दो, 8 cos थीटा प्लस 4 ये उधर जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4, भाई a प्लस b का होल स्क्वायर करना, 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 a b, तो ये 8 cos थीटा प्लस 4 प्लस 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 2 जा 4 cos थीटा। तो भैया 4 से 4 तो कट गया, इसको उठा के वहां ले जाओ, 0 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 8 cos थीटा, क्यों, क्योंकि प्लस की चीज वहां चली जाएगी, 0 बराबर cos स्क्वायर थीटा, और ये 8 में से 4 गया 4 cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, cos थीटा कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा cos थीटा माइनस 4। नाउ अब बच्चों हम देखेंगे, तो एक बार cos थीटा को 0 के बराबर और फिर एक बार cos थीटा माइनस 4 को 0 के बराबर, चलो ये कंडीशन तो पॉसिबल है कि भाई cos 0, cos 0 कहां पर होता है, cos 0 बच्चों 90 पर होता है, लेकिन cos थीटा इज इक्वल टू 4, क्या ये कंडीशन कभी भी पॉसिबल हो सकती है, ये कंडीशन बच्चों कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। एक बार इसको नोट करो, आगे फिर सिखाता हूं, नोट करो इसे, ठीक है नोट करो इसे, क्योंकि यहां से मेरे को पता चल गया है कि भाई थीटा जो आएगा वो कितना आएगा, पाई बाय 2, कैसे, क्योंकि cos थीटा और 0 कितने पे होता है, 90 पे, तो थीटा कितना आ गया मेरा 90। यहां तक की बात तो मुझे क्लियर हो गई है, आगे क्या करो, ठीक है भाई यहां तक नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है इससे आगे बढ़ते हैं। तो भाई मुझे थीटा कहां तक मिल गया, मुझे थीटा पाई बाय 2 तक मिल गया, मुझे थीटा क्या मिल गया, पाई बाय 2 तक मिल गया। अब मुझे ये चेक करना है कि मुझे ये चेक करना है कि इंटरवल 0 से पाई बाय 2 के बीच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो भाई पाई बाय 2 के अंदर अंदर का तो मेरे को मिल गया, अब इसको मैं देखो आगे सॉल्व करता हूं, अब मैं इसको आगे का सॉल्व करता हूं, कैसे करना है बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखो यहां पे हमें 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 यहां तक पहुंच गए, ठीक है यहां तक पहुंचने के बाद क्या करना है, यहां तक पहुंचने के बाद हमें करना है इसकी क्रॉस मल्टीपल, हमें ऐसे लिखना है, नाउ नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है
इसी के साथ सॉल्व कर दो, इसी के साथ सॉल्व कर दो, तो क्या बन जाएगा? 8 cos θ + 4 - 2 + में cos θ का होल स्क्वायर अपॉन 2 + cos θ का होल स्क्वायर dy अपॉन में dx। 8 cos θ + 4, भाई इसको खोलेंगे तो +4 cos²θ + 2 × 4 यानी कि 2 cos2θ 2 cos θ 4 cos θ। ये तो पता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया बच्चों मैंने, और ये आ गया dy वाई अपॉन में dx, ठीक है, dy वाई अपॉन में dx बराबर 8 cos θ + 4 - 4 - cos²θ - 4 cos θ अपॉन 2 + में cos θ का होल स्क्वायर। अब आता है dy वाई अपॉन में d थीटा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे x लिख दिया मैंने, थीटा चलना था, ठीक है, तो ये आ गया 8, हाँ जी कितना आ गया, 4 से 4 तो कैंसिल आउट, 8 में से 4 गया, 4 cos θ - cos²θ अपॉन 2 + में cos θ का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, cos θ कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 4 - cos θ अपॉन 2 + cos θ का होल स्क्वायर। अब बच्चों एक सिंपल सी बात बता दो मुझे, एक सिंपल सी बात बता दो, क्या, नाउ नाउ सॉल्व फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक हम सिंपल सी बात कर लेते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, मतलब डी वाई अपॉन में डी थीटा इज ग्रेटर देन जीरो। बच्चों इसको रखना जरा, cos थीटा 4 - cos θ अपॉन 2 + cos θ का होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। अरे बच्चों एक बात बताओ भाई, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन को तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि ये तो कुछ भी कर लो हर हाल में आपका जीरो से बच्चों बड़ा ही आएगा, हर हाल में जीरो से बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि देखो cos थीटा की वैल्यू कभी 4 से बड़ी हो ही नहीं सकती, तो यानी कि 4 से छोटी ही होगी, माइनस करोगे हर हाल में 4 के, यानी कि पॉजिटिव आएगा। भाई इसमें अगर मान लो, मैं एक पल को मान लेता, पहली बात तो देखो 2 है, 2 बड़ा नंबर आ गया 1 से, तो यहां पे भी पॉसिबल है नहीं कि नेगेटिव कोई रिजल्ट आ जाए, लेकिन चलो एक पल को मैं मान ले तो चलो ठीक है भाई नेगेटिव आ सकता है, लेकिन इसको देखना बच्चों स्क्वायर लगा हुआ है, अगर नेगेटिव आ भी जाएगा तो स्क्वायर बन के क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं सो 4 - इट इज ऑलरेडी इंक्रीज्ड, ऑलरेडी इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कौन कौन, कौन कौन इंक्रीज कर रहा है पहले से ही, तो एक तो 4 - cos θ ये इंक्रीज कर रहा है, एंड 2 + cos θ का होल स्क्वायर, ये दोनों पहले से ही क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। अब बात बच गई cos θ की। नाउ cos θ के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको अच्छे से पता है भाई cos θ की वैल्यू जीरो से बड़ी कब हो सकती है, जीरो से बड़ी कब हो सकती है, जब वो जीरो से पाई बाय टू के बीच में रहे। किसके बीच में रहे? जीरो से पाई बाय टू के बीच में रहे, और पाई बाय टू से ऊपर तो क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। अभी मैंने शुरुआत में ही प्रूफ करके दिखाया आपको, तो अभी अभी हमने देखा कि भाई कॉस थीटा की वैल्यू जीरो पाई बाय टू पे आ रही थी, पाई बाय टू पे आ रही थी, और मुझे वैल्यू क्या चाहिए, जीरो से बड़ी, तो इसका मतलब जो एंगल रहेगा वो जीरो से पाई बाय टू के बीच में रहेगा, और हम कहेंगे हेंस इट इज प्रूव दैट, hence it is prove that this function is increasing, this function is increasing between 0 to pi by 2। ठीक है, लिख लो बच्चों ये फटाफट, नोट करो, ठीक है, strictly
इलेवेंथ विच आपने कर लिया होगा। तो ऑलमोस्ट बच्चों सारे क्वेश्चन तो हो ही गए। ठीक है, हाँ ये देख लो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 16 देखो। अब ये हो गया, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 तो देख लो बस, यानी आपको पता, थोड़ा सा पता होना चाहिए, बेसिक्स पता होना चाहिए, उसके बाद तो भाई आप इसके अंदर कुछ भी धमाका मचा दोगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये तो इसने बोला है प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स लॉग साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाय 2 एंड डिक्रीजिंग एंड पाई बाय 2 टू पाई। चलो ठीक है जी, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा एफ डैश एक्स, ये बनेगा लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो क्या बन जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स। नाउ सॉल्व फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। चलिए बच्चों, जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व करेंगे तो ग्रेटर देन जीरो, यानी कि कॉट एक्स ग्रेटर देन जीरो। भाई अब चेक करो ना, आप ही चेक करो कि कॉट जो है, हमारा कॉट जो है वो कहां पर इंक्रीज करेगा। इसने बोला है कि भाई हमें इंक्रीजिंग चाहिए 0 से पाई बाय 2, तो चेक करो। ठीक है, चेक करो। ठीक है, 4 0 टू पाई बाय 2 चेक करके देखो भाई, 0 से पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 के बीच में मैंने बताया तीन बेसिक एंगल कौन कौन से हैं, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3। तो पाई बाय 6 रख के देख लो। तो हाँ जी, कॉट पाई बाय 6, हाँ जी कॉट पाई बाय 6 मतलब कॉट 30, और कॉट 30 की वैल्यू होती है कितनी, रूट 3, और रूट 3 जीरो से बड़ा होता है। सो इट इज स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एट 0 टू पाई बाय 2। ये बात बिल्कुल प्रूफ हो चुकी है। नाउ नाउ सॉल्व फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बच्चों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर पाई बाय 2 टू पाई, पाई बाय 2 टू पाई। चलिए तो क्या हो गया बच्चों, कॉट एक्स लेस देन 0। चेक करते हैं, पाई बाय 2 टू पाई मैंने क्या बताया था, 3 पाई बाय 4 सबसे बेस्ट एंगल बताया मैंने, 135 डिग्री होता है। तो कॉट 135 कैसे सॉल्व करेंगे, कॉट 180 माइनस 45, कौन सा क्वाड्रेंट होता है ये, सेकंड। सेकंड में कॉट की वैल्यू नेगेटिव, 180 है, नो चेंज। कॉट 45 1, तो यानी माइनस 1 आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है। तो फिर यहां पे भी क्या लिखेंगे हम, सो इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग एट क्या भाई, पाई बाय 2 से पाई के बीच में। ठीक है, तो देख लीजिए। फिर इसी तरह यही सेम क्वेश्चन है 17वां। ठीक है, 17th, बस लॉग साइन की जगह लॉग कॉस एक्स है, लॉग साइन की जगह लॉग कॉस एक्स है। ठीक है जी, तो इस तरीके के क्वेश्चन है बच्चों आपके पास। ठीक है, आप ये ट्राई करो। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखता हूँ, जब तक मैं एक क्वेश्चन निकालता हूँ मैं आपके लिए। हाँ जी, तो हम देख रहे थे,
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्वेश्चन नंबर हम चेक कर रहे थे बच्चों, ये चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल करवाना जरूरी है ये और देख लो, ठीक है ये और देख लो बच्चों आप एक बार। एग्जाम्पल नंबर 12, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ये नोट कर लिया होगा। एग्जाम्पल नंबर 12 फिर करवाता हूँ एग्जाम्पल 13, ये दोनों अच्छे क्वेश्चन है। हाँ जी एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स साइन 3x, ये दिया गया आपको और कह रहा है कि 0 से पाई बाय 2 के बीच में आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाना है। ठीक है जी चलो चेक करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये f डैश x और ये साइन 3x का बनेगा cos 3x और 3x का बनेगा 3, तो यानी आगे 3 लगा देंगे, आगे क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे। चलो बच्चों अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, नाउ सॉल्व फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, दोनों एक साथ कर दूंगा मैं, ठीक है जी। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में बच्चों हमें क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो मैं क्या देख रहा हूं बच्चों, मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पे एंगल जो है बच्चों वो थोड़ा सा गड़बड़ है, x नहीं है 3x है, x ना होके क्या है 3x, और अगर मैं बात करूं 0 से पाई बाय 2 के बीच की कि x इसके बीच में लाई कर रहा है, तो आप खुद सोचना बच्चों, खुद सोचो वो आगे 3 उसको छोड़ो, cos 3x को देखो बच्चों, 0 पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा, और तीन बेसिक एंगल क्या बताए थे, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 6 पुट करके देखो अब, तो पाई बाय 6 रखो कट जाएगा पाई बाय 2, और पाई बाय 2 cos 90 क्या होता है भाई, ये भी 0, और चलो cos 0 तो 1 आ गया, ठीक है चलो भाई यहां तक तो समझ में आ रही है बात, आगे देखते हैं। ठीक ये मैंने क्या क्या पुट किया, यहां पे मैंने थीटा पुट किया है 0, यहां पे थीटा मैंने पुट किया है पाई बाय 6, अब मैं थीटा पुट करने वाला हूं पाई बाय 4, तो हां जी पाई बाय 4 पुट करूंगा तो पाई बाय 4 ये 3 पाई बाय 4 आ गया, यानी 135, और आपको पता है cos 135 डिग्री माइनस का क्या होता है भाई, माइनस का 1 अपॉन रूट 2 होता है, मतलब ये तो लेस देन वैल्यू आ गया, मतलब मैंने देखा कि थीटा जब मैं पाई बाय 4 पुट कर रहा हूं तो वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, वैल्यू किस में आ रही है नेगेटिव में, मतलब 0 में, 0 में और पाई बाय 6 में तो वैल्यू थी पॉजिटिव, लेकिन जब पाई बाय 4 किया तो मैंने क्या देखा भाई, पाई बाय 4 के बाद वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव, चलो भाई अब यहां पर नेगेटिव हो गया, अब पाई बाय 3 भी रख के देख लेते हैं, अब पाई बाय जब 3 रख के देख रहा हूं तो 3 से 3 कट गया पाई, और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है भाई माइनस 1, यानी हमने देखा कि जब थीटा हम कितनी रख रहे हैं पाई बाय 3 रख रहे हैं तब भी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो यानी यहां पर थोड़ा सा धोखा हुआ है। अब बच्चे तो यही बोलेंगे कि भाई 0 से पाई बाय 2 में सर आपने सिखाया है कि वैल्यू ऑलवेज क्या करेगी इंक्रीज करेगी, लेकिन अब आप नेगेटिव बता रहे हो, तो बच्चे पहले एंगल सिर्फ और सिर्फ क्या था एक्स था, लेकिन अब की बार एंगल एक्स नहीं है, अब की बार एंगल 3x है, और जब एंगल 3x है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। ठीक है नाउ सॉल्व फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, अगर मैं लेता हूं इंक्रीजिंग के लिए तो 3 cos 3x ग्रेटर देन 0,
अब भैया प्लस माइनस कुछ नहीं कर सकता, ये थ्री, तो थ्री को तो उठा के वहां फेंको, तो बचा कॉस थ्री एक्स ग्रेटर देन जीरो। नाउ ऑन नंबर लाइन यानी नाउ अब इसको ट्रैक करो। जब हमने इसको ट्रैक किया तो हमने क्या देखा बच्चों, हमें जो इंटरवल दिया गया है वह इंटरवल दिया गया है भाई जीरो मिनिमम और हाईएस्ट पाई बाय टू, यही दिया गया है। पहले ही बोल दिया कि इसके बीच में सॉल्व करो, सॉल्व फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फॉर जीरो से पाई बाय टू, यही बोला है ना हमें, फॉर जीरो से पाई बाय टू ये इंटरवल है। अच्छा अब हमने क्या देखा, जब मैं जीरो वैल्यू पुट कर रहा हूं तो पॉजिटिव आ रही है, पाई बाय सिक्स पुट कर रहा हूं तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, लेकिन जैसे ही पाई बाय फोर पुट कर रहा हूं तो वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। तो मैंने क्या देखा कि मेरे लिए पॉजिटिव वैल्यू जीरो में कहां तक आई थी, पाई बाय सिक्स तक, कहां तक आई थी, पाई बाय सिक्स तक। तो मुझे बस अब इतनी सी बात बता दो, मुझे बस अब इतनी सी बात बता दो कि मेरे लिए इंक्रीजिंग का काम कौन कर रहा है, जीरो से पाई बाय सिक्स, और डिक्रीजिंग का काम कौन कर रहा है, पाई बाय सिक्स से पाई बाय टू। सो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल, इंटरवल इज, हां जी क्या बना, जीरो से पाई बाय सिक्स, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि दोनों पुट करने पे वैल्यू आ रही है। नाउ फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो बच्चों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है, हां बोलो कौन सा इंटरवल इज, क्या बना, पाई बाय सिक्स से पाई बाय टू तक, क्योंकि इसी के बाद क्या होना शुरू हो रहा है, इसी के बाद बच्चों वैल्यू क्या आनी शुरू कर रही है, डिक्रीज होना शुरू कर रही है। लेकिन ओ सॉरी यहाँ पे लेकिन ब्रैकेट बच्चों हम ये वाला नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट ये वाला लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इंक्लूड क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये तो नाइदर और नॉर का केस हो गया, तो इसलिए बच्चों हम यहाँ पे ब्रैकेट रखेंगे ओपन, जबकि यहाँ पे ब्रैकेट क्या रखेंगे, क्लोज्ड। तो फटाफट इसको पुट कर लो, फटाफट करके देख लो, खत्म कहानी। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 30। सॉरी सॉरी सॉरी, ये एग्जाम्पल 13 नहीं, एग्जाम्पल 12 है बच्चों, 13 तो अब कराऊंगा मैं। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट करें, चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने, हम अब एक क्वेश्चन और करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है। इसके बाद आप मान के चलो बच्चों कि आपके यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अब खत्म हो गया, अपने डाउट निकालना शुरू करना आप, फिर जो भी डाउट होंगे वो सारे के सारे डाउट मैं आप लोगों के ओवर करवा दूंगा, ठीक है। चलो हाँ जी देखेंगे, जरा देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 13, बहुत प्यारा क्वेश्चन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x, यही दिया हुआ है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x, ठीक है जी। और कह रहा है सॉल्व करना है, और सॉल्व करना है फॉर इंटरवल जीरो से पाई टू पाई, जीरो से टू पाई और दोनों के नीचे ये वाला ब्रैकेट है, ठीक है भाई। चलिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन गया आपका एफ डैश एक्स साइन का कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, ये आ गया जी। नाउ सॉल्व फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फॉर इंटरवल, फॉर इंटरवल
हाँ जी, इंटरवल क्या दिया हुआ है? बराबर है, बड़ा क्लोज ब्रैकेट से लेके 0 से लेके 2 पाई। चलिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, जैसे लेना चाहो यार, सही है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व करोगे या डिक्रीजिंग के लिए, वो अपने आप भाई। अगर इंक्रीजिंग के लिए भी सॉल्व करोगे तब भी बात बन जाएगी, डिक्रीजिंग के लिए सॉल्व करोगे तब भी बात बन जाएगी, ठीक है। नाउ बाय डिवाइडिंग डिवाइडिंग द एंगल्स एंगल्स फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, हम बच्चों इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए सॉल्व करेंगे। बनाओ नंबर लाइन, पता ही है कहानी, 0 से शुरू हो रही है और लास्ट कहां तक जा रही है भाई? 2 पाई तक। अब ये देखना है, चेक करना है कि इंक्रीजिंग कहां कहां पे करेगा। बच्चों जो बेसिक बेसिक एंगल है ना, जो आपके बेसिक बेसिक एंगल हैं, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, इन्हीं में काम चलाना है आपको, ठीक है। और भी एंगल्स हैं लेकिन तीन एंगलों की वैल्यू पता तो हम उसी में काम चलाएंगे। चलो तो पहले क्या आता है, पाई बाय 6। भाई पाई बाय 6 पुट करके देखो, तो दोनों में करके देखो, पाई बाय 6 पुट करो, पाई बाय 6 पुट, पाई बाय 6 पुट करोगे, ये 30 होगा। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है जल्दी बता दो, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/2, तो माइनस। हाँ जी बिल्कुल, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, इसका मतलब वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव आएगी, तो इसका मतलब भाई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है पाई बाय 6 पे। अगला देखो पाई बाय 4, पाई बाय 4 रख के देखो। हाँ जी पाई बाय 4 क्या होता है, 1/√2, साइन भी क्या होता है, 1/√2, कट गया 0, इसका मतलब भाई ये भी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ठीक है जी। अब सीधी सी बात है, अब एक बात बताओ, जब पाई बाय 4 पर वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, इसके बाद मैं कोई भी बड़ी वैल्यू रखूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। कैसे, चेक करके देख लो, पाई बाय 3 रखो, यानी कि cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बता दो भाई, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और sin 60 की √3/2। अब देखो एलसीएम लोगे 2, 1 माइनस √3 की वैल्यू 1732, तो यानी नेगेटिव आ गई ना वैल्यू। तो हमने ये देखा कि इंक्रीजिंग की पहली वैल्यू कहां पर सेट हुई, पाई बाय 4 पर, और पाई बाय 4 से आगे बढ़ने पर वैल्यू कैसी आ रही है, डिक्रीज। वैल्यू कैसे आ रही है, डिक्रीज। तो अब हमें यह चेक करना है कि क्या सारी वैल्यू पर डिक्रीज करेगा ये, क्या ये आगे बढ़ते रहे तो सारी वैल्यू पर 2 पाई तक डिक्रीज करेगा। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, 2 पाई तक डिक्रीज क्यों करेगा, 2 पाई तक डिक्रीज क्यों करेगा, वो तो डिक्रीज करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बच्चों हम लोगों ने ये देखा है, हम लोगों ने ये देखा है कि भाई जब हम किसी और क्वाड्रेंट में आते हैं तो इनकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव सब कुछ दिखाती है, सब कुछ दिखाती है, ठीक है। तो मैंने ये देखा, मैंने क्या देखा, देखो जरा ध्यान से देखना बच्चों, 0 से पाई बाय 4 के बीच में इनकी वैल्यू पॉजिटिव थी क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे थे। लेकिन अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, अब ध्यान से देखना भाई, अब ध्यान से देखना, इसके बाद 0 से पाई बाय 4 के बाद पाई बाय 3 में आ रहा है, मानता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन वैल्यू किस में हो रही है, नेगेटिव। यानी अब पाई बाय 3 से मैं जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू करूंगा तो वैल्यू नेगेटिव होना शुरू होगी। लेकिन क्या 2 पाई तक नेगेटिव होगी, तो मेरे बच्चों 2 पाई तक नेगेटिव नहीं होगी, देखते चलो। अब देखो पाई बाय 3 के बाद अगला जो आएगा वो पाई बाय 2 आएगा, पाई बाय 2 पे आपको पता ही है इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, तो इसका अभी भी नेगेटिव हो गया, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब इसके बाद जो होगा वो पूरा का पूरा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, पूरा का पूरा क्या होगा सच बताना, वो पूरा का पूरा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, और आपको तो पता ही है सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव, तो ऑब्वियस सी बात है पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी, क्योंकि ये भी नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव। तो इसका मतलब आप देखो ना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू क्या, यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, लेकिन इसके आगे माइनस है तो ये तो रहेगा ही माइनस। ऊपर से कॉस एक्स की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव, तो यानी ये पूरा का पूरा नेगेटिव रहेगा। मतलब पाई बाय 2 से लेके पाई तक ये पूरा कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग के लिए काम करेगा, ठीक है। अब आगे काम करते हैं, पाई के बाद कौन सा क्वाड्रेंट शुरू होता है, थर्ड क्वाड्रेंट शुरू होता है, कौन सा क्वाड्रेंट शुरू होता है, थर्ड क्वाड्रेंट शुरू होता है। अब प्यारे बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों की वैल्यू क्या होती है, साइन और कॉस दोनों की वैल्यू क्या होती है भाई, नेगेटिव होती है। अब मुझे एक बात बताना, अब खुद सोचना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री तक क्या था भाई, 45 डिग्री तक वैल्यू पॉजिटिव थी। तो मुझे एक इतनी सी बात बता दो, जब 45 डिग्री तक वैल्यू पॉजिटिव थी तो इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो 45 डिग्री तक क्या होगा, क्योंकि अब क्या कर रहा है भाई, 0 से लेके पाई बाय 4 तक क्या किया, इंक्रीज, फिर
पाई बाय फोर से पाई बाय टू तक भी डिक्रीज था और पाई बाय टू से लेके पाई तक भी डिक्रीज था। क्यों था डिक्रीज? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी ये पॉजिटिव है लेकिन माइनस की वजह से नेगेटिव, और ये तो नेगेटिव होता ही है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कहां तक नेगेटिव होगा भाई? जब ये 45 तक इंक्रीज था तो ये 45 तक डिक्रीज करेगा। और बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट का 45 डिग्री होता है 5 पाई बाय 4। कितना होता है? 5 पाई बाय 4। ठीक है, यहां तक ये क्या करेगा? डिक्रीज। अब इसके बाद पूरा का पूरा क्वाड्रेंट क्या है? इसके बाद पूरा का पूरा क्वाड्रेंट आता है थर्ड के बाद फोर्थ, और फोर्थ में कॉस की वैल्यू क्या होती है? थर्ड में फोर्थ में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव और साइन की वैल्यू नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने देखा कि भाई पाई 5 पाई बाय 4 से लेके 2 पाई के बीच में कर रहा है इंक्रीज, और थर्ड में यानी यहां तक पूरे में क्या कर रहा है? डिक्रीज। तो बच्चों इस बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि पाई 5 पाई बाय 4 का मतलब होता है 225 डिग्री और सेकंड क्वाड्रेंट होता है 180। इन दोनों के बीच में कितने आ गैप है? 45। और पहले के बीच में भी कितने आ गैप था? 45। तो हमने देखा जब भाई यहां वाले में 45 में इंक्रीज कर रहा है तो यहां वाले 45 में डिक्रीज करेगा। रीजन, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। तो इसकी नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन इसकी नेगेटिव क्या हो जाएगी? वापस नेगेटिव। तो इसका मतलब फिर से सेक्शन क्या हो गया? अपोजिट हो गया। लेकिन जब इसमें आए हम लोग फोर्थ में, तो फोर्थ में हमने क्या देखा? इसकी नेगेटिव पॉजिटिव हो गई और इसका पॉजिटिव तो पॉजिटिव है ही, तो इसलिए इसके बाद क्या कर रहा है? इंक्रीज। और यहां से लेके यहां तक पूरा क्या कर रहा है? डिक्रीज। तो यानी यहां पर हम एक और बनाएंगे 5 पाई बाय 4 और हम देखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग के लिए उसने क्या क्या काम किया भाई? एक तो किया 0 से लेके पाई बाय 4 तक, और यूनियन 5 पाई बाय 4 से लेके कहां तक? 2 पाई तक। यहां पे ओपन ब्रैकेट, यहां पे क्लोज्ड। अब और आता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये हो गया इंक्रीज, ये हो गया इंक्रीज, तो बचा कौन? ये। तो पाई बाय 4 ओपन ब्रैकेट, 5 पाई बाय 4 ओपन ब्रैकेट, इसके बीच में क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, तो फटाफट इसको नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है, और बस सिर्फ समझने का था। अगर समझ में आ गए, समझ में आ जाए बच्चे को, तो सबसे आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब मैंने देख रहा हूँ कि इसमें अब कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा, ठीक है, और अगर कोई बचा हो तो मुझे बताना, ठीक है बच्चों, तो वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। और ये पूरा आप लोग एक दो बार देखना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसके अंदर सारा काम किसका चल रहा है? एंगल्स का चल रहा है। ये सारे के सारे 11th के छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, अगर ये क्लियर हो गए तो आपको बहुत ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।